हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं वन मंथ स्ट्रेटेजी, यानी एक महीने में DULLB एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक करें। अगर आपने बिल्कुल भी नॉलेज अब तक नहीं ली और बिल्कुल भी पढ़ाई अब तक आपने DULLB के लिए नहीं की है तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और हम आपकी वीक बाय वीक प्रिपरेशन को डिकोड करेंगे कि कैसे कैसे आप किस किस चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के दौरान आपको एक मंत्र का ध्यान रखना है, रीड रिवाइज एंड रिपीट। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपसे जो है वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको एक सॉल्यूशन भी देंगे जिससे आप फास्ट अपनी तैयारी को और फास्ट कर सकते हैं। चलिए जी, तो बिना टाइम खराब किए हुए आपकी वीक वन की स्ट्रेटेजी पर आते हैं। वीक वन की स्ट्रेटेजी होगी वो आपका स्टार्टिंग फेज होगा, वार्म अप फेज होगा, जहां पर धीरे धीरे चीजें जो है आपको फास्ट करनी है। तो वीक वन यानी डे वन से डे सेवन के बीच में आप अपनी जनरल नॉलेज से शुरू कीजिए। मैं मानता हूं जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है और आपको करने में बहुत टाइम लगेगा। आप जनरल नॉलेज कीजिए, आर्ट एंड लिटरेचर पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, एनवायरमेंट पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, साइंस पढ़िए, UN ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये सब पढ़िए। उसके बाद आप साथ साथ उसके लीगल भी शुरू कर दीजिए क्योंकि ये GK और लीगल ये दोनों ही टाइम टेकिंग चीजें हैं। तो हमने आपको जो ये प्लान बता रहे हैं वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आप GK पढ़ना शुरू करेंगे, उसके साथ साथ आप लीगल को भी शुरू कर दीजिए। और लीगल में भी अगर स्पेशली मैं मेंशन करूं यहां पर आपके लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपके लिए क्रिमिनल लॉ यानी IPC, और आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लीगल मैक्सिम्स को आप साथ साथ चलाइए। इन पांचों चीजों को साथ साथ अगर आप चलाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और करंट अफेयर्स जी शुरू कर देनी है। करंट अफेयर्स आपको शुरू करनी है सितंबर 2019 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अब तक के लिए कोई भी जो लीगल मैक्सिम हो या फिर आपके लिए कोई भी मैगजीन आप लगाते हो, आप कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला वीक आपका जाएगा अंडरस्टैंडिंग में और वार्म अप में। उसके बाद आप वीक टू निकालिए और वीक टू में आप अपनी वर्बल एबिलिटी को सुधारिए। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में आप अपनी इंग्लिश को सुधारिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन करिए, बेसिक ग्रामर करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करिए, क्लॉज टेस्ट करिए, इडियम फ्रेज कीजिए, जंबल वर्ड करिए या फिर जंबल पैराग्राफ कर दीजिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस एरर्स, एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक हफ्ते के अंदर सभी को खत्म कर दीजिए। अब जब मैं आपको डे वीक वन बता रहा हूं और उसके बाद वीक टू जब बताया मैंने आपको, तो वीक टू में आपको मैंने वर्बल एबिलिटी बताया सिर्फ, लेकिन अब आपको जो वीक वन में आपने चीजें पढ़ी थी वो आपको भूलनी नहीं है, वो चीजें भी आपको साथ साथ कंटिन्यू करनी है। वार्म अप फेज में आपको दो सब्जेक्ट दिए थे, धीरे धीरे जो है वो सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे और आपको रेगुलरली सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। अगर आप अगले 30 दिनों में 3-3 घंटे भी या 4-4 घंटे आप देते हैं तो आपके 90 से 120 घंटे होते हैं, जो बहुत ज्यादा सफिशियंट है। उसके बाद हम आते हैं वीक थ्री पर। वीक थ्री पर आप जाइए लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को करना शुरू कर दीजिए। आखिरी के दिन क्योंकि आ गए हैं, वीक थ्री आपका आ गया है, और उस दौरान आप जितने हो सके उतने आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कीजिए और लॉजिकल आपकी रीजनिंग कीजिए। जितने क्वेश्चन हो पाए उतने करिए, ब्लड रिलेशन हो, एनालॉजीज हो, डायरेक्शन प्रॉब्लम हो, डिकोडिंग कोडिंग हो, लॉजिकल फैक्ट्स हो, कुछ भी हो आप करिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में एवरेज हो, मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम हो, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, फ्रैक्शन हो, टाइम एंड वर्क हो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस हो, सब कीजिए। जितने आप कर सकें उस हफ्ते में कीजिए, लेकिन इंग्लिश और आपकी लीगल और GK को साथ चलाइए तीसरे हफ्ते में भी। चौथा वीक आपका होगा आपने रीड किया, सेकेंड और थर्ड वीक में आपने रिपीट किया, अब आपकी बारी है रिवीजन की, रीड रिपीट एंड रिवाइज। उसके लिए आप करेंगे, आप बेसिकली अपने पुराने क्वेश्चन पेपर को जो आपने पहले तैयारी से शुरू किए थे आप उन्हें दोबारा पढ़िए, लीगल GK लीगल एप्टीट्यूड को दोबारा से रिवाइज करिए, मैथ्स के फॉर्मूला को आप रिवाइज कर लिए, याद कर लीजिए, मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो एक दिन में दो दो तीन तीन मॉक भी प्रिपेयर कीजिए आखिरी हफ्ते में। आखिरी हफ्ते में जितना टाइम आप अपनी स्टडीज को देंगे उतना ही वो चीजें जो है वो बिल्डअप होगी। और अगर आप ये सब कर लेंगे चारों हफ्ते तो आप बहुत ही आराम से इस एंट्रेंस एग्जाम को निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा हम जो है आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग का बैच लाते हैं जिसमें हम लीगल एप्टीट्यूड भी आपका क्लियर कराते हैं और आपके लिए लीगल रीजनिंग, लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स, लैंडमार्क जजमेंट्स और पॉलिटी भी हम कवर करवाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में। तो 10 दिनों में अगर आपको इतनी चीजें करनी हो तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पांचवा बैच जो है वो ज्वाइन शुरू होने वाला है अब है आपके लिए, 6 जुलाई से वो बैच शुरू होगा। चीजें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। 150 से ऊपर लोग इस चीज़ का फायदा उठा चुके हैं लास्ट 4 बैचों में और इस बार के लिए सीट्स हमने थोड़ी सी बढ़ाई हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ, लास्ट टाइम भी 2 दिनों के अंदर अंदर जो सीट्स हैं वो फुल हो गई थी, तो इस बार भी मैं वही उम्मीद करता हूँ। तो आप अपनी सीट को कन्फर्म कर लीजिएगा, जल्दी से आ जाइएगा ताकि 10 दिन जो आप एक्सपीरियंस करें वो आपके लिए रिमेम्बरेबल हो फॉर लाइफ, और वो भी एट सच अ मिनिमम और लो कॉस्ट जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए आपको डाउट होंगे कि जी अचानक ऐसे कोई कह देगा तो हम कैसे मान लें, मत मानिए,
मैं भी कहता हूं कि जब तक आप उस आदमी पर भरोसा मत कीजिए, जब तक आपको जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल जान ना लो, पहचान ना लो, अच्छे से समझ ना लो। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ रिव्यू वीडियोस अटैच कर देता हूं। जब मैं ये रिव्यू वीडियोस खुद भी देखता हूं जो ये बैच 4 से आई हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि मैंने कहीं पैसे दे के तो नहीं बनवाई हैं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ आप जैसे ही बच्चे देते हैं उसकी कोई, मैं कह रहा हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने ये रिव्यू वीडियोस दी है। और इस वीडियो के एंड में मैं, चाहे वो 10 मिनट हो चाहे वो 15 मिनट हो सकता है ये वीडियो 15 या 20 मिनट की हो सकती है, लेकिन आप रिव्यू वीडियोस देखिएगा, शायद हो सकता है आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाए और आप चाहते ना हो तब भी आप इस बैच में आ जाएं। अगर आपने पढ़ रखा है सब कुछ तब भी आप इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल जीरो है, तो जीरो से हीरो बनने का यही मौका है, जल्दी से आ जाइएगा। इस वीडियो के साथ मैं लिंक अटैच कर रहा हूँ, और मिलते हैं जल्दी से अच्छी सी, बढ़िया सी, प्यारी सी और अच्छे कंटेंट वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद। हाय गाइस, दिस इज विधि शर्मा फ्रॉम उत्तराखंड एंड आई हैव टेकन दिस कोर्स बाय आदित्य सर फॉर UELB एंट्रेंस एग्जाम, एंड आई वुड लाइक टू से दैट कोर्स इज वर्थ इट। द वे ऑफ हिज टीचिंग इज ऑसम एंड इट विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज, and he will take you step by step to everything which is important, because there are lot of topic you cannot study each and every topic, so the guidance is very important, and thank you Aditya sir. Hey guys, myself Gagandeep. Firstly I would like to thank Aditya sir for helping me out in dealing with the legal part of the course. His way of teaching is very awesome and I really admire him. You will be highly benefited if you join this course. It will be very, very helpful in cracking your entrance exam. So please do, guys, join this course. Thank you. Hello, myself Imani Chahar. Before starting and before thanking you, Aditya sir, I just want to share a quote. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. This quote is from Benjamin Franklin. बहुत अच्छा है ये, बहुत सही है, और ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है ये लास्ट लाइन की इन्वॉल्वमेंट है लर्न, क्योंकि आपने यही किया है। थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू अ लॉट। आई जस्ट कांट, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, बिकॉज यू जस्ट लेवल्ड अप माय कॉन्फिडेंस फॉर क्लियरिंग द ड्यू लॉ एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम हेयर टू हेयर। आई हैव डन ऑल द लीगल रीजनिंग पार्ट, बट मेरे को ऐसा लगता है क्या है ये, मैं वही एग्जाम्पल, वही क्वेश्चंस फिर से करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या किडनैपिंग होती है, क्या किया क्या नहीं। मैंने भी कोशिश की कि मैं खुद को इन्वॉल्व करूँ, पर बोरिंग, एकदम बोरिंग लगता था। मैं लॉ पढ़ने का मैंने सोच रखा था कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, बट चलो पॉलिटी वाले सेक्शन को हटाओ, पर लीगल रीजनिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं। बट फर्स्ट डे ऑफ दिस सेशन यू जस्ट मेड मी लव the process of like torts and all the notations, all the legal maxims I have learned, all the examples you involved all this group into your discussion, and yeah, it's like very 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 interesting for me. अब मेरे को लॉ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मतलब मेरा एक, मैं 10 क्वेश्चन करती हूँ ना पहले बोर हो जाती थी, अब लगता और करूँ और करूँ और करूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक यू माई फैमिली, फ्रॉम माई फैमिली टू, दे वॉन्ट टू थैंक यू टू माई मदर, माई फादर, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिमानी मज़े से इतने सारे क्वेश्चंस कर रही है, बोर भी नहीं हो रही, बोली पढ़ना है मेरे को और क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी खुश हो रहे हैं कि भाई इसने ऐसे कैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली कि उन सर ने इसका इतना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। मैं डी ओ लॉ एग्ज़ाम क्रैक करूँगी, और यप आई विल मेक, एंड आई वॉन्ट टू मीट यू एंड आई विल गिव यू अ पार्टी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टीम सोशल इंडियन का जो ये लीगल पोर्शन फॉर लॉ एंट्रेंस वाला कोर्स है, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ या मुझे सर पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर आप जाते हो या बुकिश लैंग्वेज से ये लीगल टर्म्स पढ़ते हो तो आपको वही चीज़ें जो आप पढ़ते हो वही चीज़ें आपको समझ आएंगी, जो एक मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, बट अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो आदित्य सर जैसे हैं जो बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं उससे आपको चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में समझ आती है और ज़्यादा जल्दी समझ आती है।
और प्राइस भी इसका है जो बहुत रीज़नेबल है, 750। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो शायद आपको इससे ज़्यादा वो सीखने को मिलेगा, तो मैं तो ये कोर्स फुल्ली रिकमेंड करता हूँ। हेलो, मैं कुछ ही दिनों से आदित्य चौचे, मतलब जिसको आप द सोशल इंडियन के नाम से भी जानते होंगे, उनसे ऑनलाइन ड्यू LLB एंट्रेंस के लिए क्लास ले रहा हूँ। क्लास तो ठीक ठाक है, मेरा डाउट भी अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर ये वीडियो जो देख रहा है, अगर उनमें से कोई सोच रहा है इस क्लास को लेने के बारे में, तो उनको मैं ये क्लास रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एंट्रेंस तो एंट्रेंस होता है, मतलब एंट्रेंस तो कॉम्पिटिशन होता है, और मेरा खुद का कॉम्पिटिटर बनाने का कोई शौक नहीं है। तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही पढ़ाई कीजिए, उससे भी शायद हो जाएगा। तो इस क्लास को लेने के बारे में आप सोचिए मत, ठीक है। माई नेम इज़ देवी और मुझे सर की क्लासेस का पता था सोशल इंडियन यूट्यूब चैनल से पता चला था। थैंक यू सो मच सर कि हमारे लिए इस सिचुएशन में क्लासेस अरेंज करने के लिए, थैंक यू सो मच हमें पढ़ाने के लिए, और थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिलीव मी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सर एक एक एग्जाम्पल खुद हमारे में से देते हैं, मतलब इतना अच्छा देते हैं, इतना इतना सिंपल बना देते हैं ना, वो जितना भी हार्ड हो, वो टॉपिक जितना भी हार्ड हो, सर उसको इतना इजी और इतनी, मतलब इतनी अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए, ये तो मैं यूं समझ गई या यूं समझ गया। सो थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही कहना था। बाय द वे क्लासेस बहुत अच्छी हैं, आप खुद लेके देखो, जिसने नहीं ली आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, अगर वो ड्यू का एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो। इस सिचुएशन में तो खैर लॉस ही है, तो बस सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, बहुत अच्छा लगा आपके पास पढ़ के, ये हमेशा याद रहेंगी। जूम वीडियो वाली कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अच्छी थी और हमेशा याद रहेगी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद कुमार बांगड़। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक आदित्य सर, जिन्होंने हम सबके लिए टाइम निकाला और ऐसे टॉपिक क्लियर कर दिए जो शायद खुद से तो होने मुश्किल ही थे। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में, मेरे को थोड़ा सा टेंशन था कि पता नहीं कोर्स कैसे रहेगा, पर अब आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस थिंग कि मैंने सर से पढ़ने का डिसीज़न लिया। और जहाँ तक रिव्यू की बात है, मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है, हर चीज़ को एक अच्छा मॉडिफाई करने का कोशिश किया, पर इस टाइम मैं बिल्कुल असफल कह सकते हो आप रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं सर के लिए क्या कमी निकालूँ, बिकॉज इस कोर्स में कभी एग्जाम्पल की कमी नहीं थी, कभी कोई टॉपिक की कमी नहीं थी, कोई क्लियरेंस की कमी नहीं थी, हमेशा 5 मिनट के अंदर डाउट क्लियर हुआ, आप चाहे किसी टाइम पूछ लो। तो सर को एक बार और थैंक यू देना चाहूँगा और ये एक गुड विशेस देना चाहूँगा, गुड लक कहना चाहूँगा एंड थैंक। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष पांडे और मैंने अभी एक हफ्ते पहले सर से क्लासेस लेने शुरू की थी लीगल की, और इसका इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता था या जो जो बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं थे, वो सब सर ने बहुत अच्छे से करा दिए। सारे पॉइंट, सारे जैसे लीगल रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन थे जहाँ बहुत ज़्यादा फंसते हैं लोग, मैं भी बहुत फंसता था, सो सर से पढ़ने के बाद वहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी मिल गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना समय दिया है वो बहुत ही वो पूरा वसूल है, पूरा वसूल है, सर ने बहुत अच्छे समझा है, थैंक यू सर। हाय एवरीवन, दिस इज पल्लवी। फर्स्टली आई वांट टू थैंक्स आदित्य सर, थैंक यू सो मच सर, हमारा इतना अच्छा कोर्स इतने कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए। रियली यू आर वेरी गुड टीचर, और आपकी जो पढ़ाई की स्टाइल है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप हमें ही हमारे एग्जांपल्स में यूज़ करके चीज़ों को बहुत ही इजी बना देते हो, सो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इजी टू डाइजेस्ट फॉर अस। और मुझे आपके इस कोर्स के बारे में आपकी यूट्यूब चैनल से पता चला था, उसके बाद आपकी व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला था, उसके बाद भी आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज दैट आई हैव टू ज्वाइन और नॉट। उसके बाद फिर मैंने कुछ रिव्यू वीडियोज़ देखे थे जो मुझे अच्छे लगे थे और मुझे लगा थोड़ा सेटिस्फाइड टाइप, तो फिर मैंने आपसे मैसेज करा और आपने बहुत इंस्टेंटली और बहुत ही आराम से रिप्लाई किया। सो उसके बाद मैंने जब ये ज्वाइन करा, बहुत ही मिनिमल प्राइस आपने जो रखी है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इतने कम प्राइस में तो आई डोंट थिंक कोई इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं ऑफर करेगा। एक तो कम प्राइस प्लस कम टाइम में आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देते हो, सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। और
आपने जितनी मेहनत करी है और हमने जितनी मेहनत करी है, होप हम सबका इंट्रेंस क्लियर हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, जो ये डिलेमा में हो कि उनको ये कोर्स करने चाहिए या नहीं, सो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार कोर्स करके देखो, इनसे पढ़ के देखो, आपको खुद पता चलेगा कि आदित्य सर से पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। एंड यू विल मतलब आपको हर चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी कम प्राइस में। और हाँ, पैसा वसूल कोर्स है, मैं ये भी बोल सकती हूँ आपको, 750 इज़ वेरी मिनिमल प्राइस, कम समय में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप क्रैक कर सकोगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। हाई एवरी वन, दिस इज शिवम फ्रॉम बिहार पटना। एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज रिसेंटली आई कम्प्लीटेड माई कोर्स ऑफ लीगल रीजनिंग टॉट बाई आदित्य सर, द सोशल इंडियन टीम। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से समथिंग, वेल बिगेन इज हाफ डन, मीन्स अच्छी शुरुआत से ही आधा काम हो जाती है। आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करते होंगे। तो मुझे लगता है सर आपने एक अच्छी शुरुआत दे दी है, तो मुझे ये चीज़ बहुत सही लगा आपका ये 10 डेज़ का कंसेप्ट, 10 डेज़ का जो आपने क्लास करवाया है, मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करता हूँ। लिटरली मैं बोल सकता हूँ मैं उस टाइम जीरो था, अब लगता है कि मैं थोड़ा हीरो बन गया हूँ इस चीज़ के लिए। सो इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बोलूँगा एक चीज़ के लिए सर, आप जो एग्जांपल देते हो सर वो बेस्ट था, मीन्स कि जो आप हम लोग को रिलेट करके उस चीज़ को आप समझाते हो, तो मुझे लगता है कि वो मेरे दिमाग में बैठ गया वो कंसेप्ट। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो वो चीज़ हमेशा से दिमाग में आता है और वो रिकैप हो जाता है। सो इसके लिए सर थैंक यू वंस अगेन। और दैट्स इट, सजेशन के तौर पर मैं नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ क्लियर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा नोट्स का जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो दैट्स इट। और जो भी इनरोल करना चाहते हैं इस कोर्स में आके इनरोल कर सकते हैं। आई थिंक इफ़ आपको DU LLB 2020 क्रैक करना है लिटरली, इफ़ जेन्यूनली, देन आई थिंक 750 इज़ नॉट ए बिग अमाउंट फॉर यू, यू हैव टू स्पेंड फॉर दिस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। मुझे आदित्य यादव सर DU LLB कोर्स पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। मैं कभी खुद से पढ़ के 7 डेज़ में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर नहीं कर पाती जितना उनकी मदद से कर पाई। और वो जो एग्जांपल्स देते हैं वो एग्जांपल्स ही काफ़ी है लीगल रीजनिंग के मैक्सिमम से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट इट एज ए मस्ट ट्राई फॉर एवरी DU LLB एस्पिरेंट। हेलो एवरीवन, सौरभ कौशिक दिस साइड। सबसे पहले तो मैं आदित्य सर को थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी। एंड देन मैं आप सबको ये कोर्स भी रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि आदित्य सर का वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ हैंडलिंग द क्वेरीज, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द टॉपिक्स इज़ रियली वेरी फैंटेस्टिक। यू जस्ट कैन सी द डिफरेंस यूर सेल्फ जब आप अपने आप को फर्स्ट डे एनरोल करेंगे एंड अप टू द 7th or 8th day, you just really can see the difference. You will be able to solve 70-80% of the questions from legal aptitude without any doubt. And if you have any doubt, then sir is always there for your help. So just go enroll yourself and keep preparing for DU LLB entrance examination. Good luck to all of you. Thank you. Hi, I'm Mona and I'm from Delhi. I would like to thank Aditya sir. बहुत ही अच्छा लगा सर से पढ़ के, और ये मेरा 7th day है मैं सर से पढ़ रही हूँ अभी तक फ़िलहाल। तो मेरे जितने भी डाउट्स हैं लीगल के हिसाब से वो हर चीज़ क्लियर हो गई है, और मैं बहुत खुश हूँ अभी तक की कि मैं सर से पढ़ रही हूँ। और सर को लास्ट 2 years से जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं 2 साल से DU LLB की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम हो नहीं पाया था, क्लियर नहीं हुआ था, और इस साल सर से पढ़ रही हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हो जाएगा क्लियर, और अच्छा लग रहा है सर से पढ़ के। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आदित्य सर से ज़रूर पढ़िएगा। और आदित्य सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आदित्य सर। और मैं बस लास्ट यही कहूँगी कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मैं आपसे पर्सनली मिलके थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। बस एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य सर फॉर ज्वाइनिंग हिज ऑनलाइन क्लास। द टीचिंग स्टाइल ऑफ आदित्य सर इज यूनिक, और सर आप जो एग्जाम्पल देते हैं वो हेल्पफुल होता है मेमोराइज करने में। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी DU LLB के स्टूडेंट हैं, इंट्रेंस एस्पिरेंट, हमें इनके क्लास ज्वाइन करना चाहिए। लीगल मेरा सर से पढ़ने के बाद बहुत क्लियर हुआ, अपने मैंने खुद ही पढ़ा था लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आई थी जो सर से क्लास लेने के बाद आई, इसलिए एक बार फिर मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं विकास कुमार गुप्ता, हम बात कर रहे हैं
मिशन एडमिशन 2020 की जो आदित्य सर के द्वारा क्लास लिया जा रहा है। सर लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, सर काफ़ी अच्छा लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाए विद कॉन्सेप्ट इजली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया सर ने, लाइव एग्जांपल दिया, जैसे कि जैसे आप क्लास लेते लेते जो भी कॉन्सेप्ट के साथ आपके लाइव एग्जांपल लिया उसके हिसाब से। सर की एक अच्छा नेचर है, फ्रेंडली नेचर है सर के, सर के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आया। दर्जन क्लास है, क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम मिथुन है और जब से मैं इस क्लासेस को ले रहा हूँ यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है पूरी की पूरी क्लियर हो रही है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ की हमारे एग्जांपल देते हैं सर, और जिससे कि हमें समझने में हमारे माइंड को ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा फील होता है। तो क्लासेस में तो यही कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी क्लासेस मैंने अभी तक नहीं देखी, सच में अमेजिंग क्लासेस थी। हेलो सर, आई एम अनुष्का, आई हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू एंड आई एम सो मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई एग्जाम। I want to tell you about three things I struggled with before the class. पहली कि क्या पढ़ना है, there are so many sections, law इतनी wide है कि YouTube पे जाएं या कोई भी book उठाएं तो समझ ही नहीं आता था कि क्या पढ़ना है। पर आपने उसी चीज़ को simplify करके 10 days में सब कब ख़त्म करवा दिया पता भी नहीं चला। Second, कैसे पढ़ना है, कई प्रोविजंस में होता था कि समझ नहीं आता था कि क्या लिखा है, पर आपके एग्जांपल्स की वजह से हमें ही उन एग्जांपल्स में इंक्लूड करके आप उसी प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझा देते थे। आपकी एक बात हमेशा याद रखूंगी कि लॉ इज़ नॉट अबाउट द प्रोविजंस बट अबाउट द एक्सेप्शंस। थर्ड कि लॉ को टाइम कम रख कर भी कैसे पढ़ना है, आपसे सिर्फ लॉ ही नहीं और भी चीज़ें सीखी हैं जैसे कि डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लॉ फैकल्टी में जाने के बाद या किसी भी कॉलेज से लॉ में एडमिशन होने के बाद कैसे पढ़ना है, और कुछ लाइफ लेसन्स भी कि फैक्ट्स चेक करे बिना किसी की बात ब्लाइंडली ना माने, नहीं तो आपको मंदबुद्धि या चमचा कहा जाएगा। यू आर सो हम्बल, ऑलवेज स्माइलिंग, मस्ती मजाक में पता भी नहीं चला कि कैसे सिलेबस ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच and I wish you are a magnet of miracles, positive abundance and prosperity. Please don't change. Thank you. Ujjwal Singh Rathod, I would like to thank Aditya sir for this fruitful online course you provided us. The way you taught us is very amazing, and especially your examples are very easy to remember and very helpful in clearing the concept. Once again, थैंक यू आदित्य सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश रायकवार है और मैं द सोशल इंडियन की फोर्थ बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी को ये कोर्स इसलिए सजेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये कोर्स मेरे DLLB की प्रिपरेशन में एक वैल्यू एडिशन के तौर पे साबित हुआ है। ये कोर्स के कारण मेरी थिंकिंग और भी वाइड हुई है क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ सेल्फ स्टडी पे चल रहा था, लेकिन इस कोर्स के कारण मुझे अपने बहुत सारे वीक पॉइंट्स के बारे में पता चला है और मैं अभी इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। और रही बात सर की टीचिंग की, तो बहुत ही औसम है, वो कभी आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आपने किसी गलत जगह अपना पैसा लगाया है। तो आप बेझिझक और बेहिचक ये कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। चीयर्स गाइस। हेलो आदित्य सर, हाय, इट्स माई सेल्फ मिलिंद सिंह। ड्यू टू माई करंट सर्कमस्टेंसेस आई बिलोंग टू द पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। सर मैं आपको सर यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, तो उसी वीडियो से मुझे पता चला आप ऑनलाइन क्लासेस सर स्टार्ट की हैं, तो मैंने वहीं से ज्वाइन किया। मैंने सर पिछला सेशन ही ज्वाइन कर लिया होता, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पिछला बैच मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये वाला बैच मैंने ज्वाइन किया आपका। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर मेन बात होती है प्राइस की, पैसे की। जो भी बच्चा अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो सर सोचता है कि मतलब मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ से कितना बेनिफिट होगा। तो सर जो भी हार्ड एंड मनी अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उससे सर बुरा तो खैर नहीं लगेगा, उसे लैप्स तो हो ही नहीं सकता उसका। और मेन बात तो ये है सर कि ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा उसे, जो अमाउंट वो दे रहा है उससे ज़्यादा ही उसे सीखने को मिलेगा और किसी कंपैरिजन के मुकाबले, और किसी जगह के मुकाबले। सर क्लासेस तो फुल टू पैसा वसूल वाली है आपकी, मतलब एक ही क्लास में दो क्लास में ही बच्चे को समझ में आ जाएगा। इनिशियल स्टार्टिंग सर स्लो होती है, कुछ बच्चे पहले से पढ़े हुए होते हैं
तो उस वजह से स्लो लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सर बहुत अच्छा हो जाता है स्पीड। और सर कुछ बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सर आपके कोर्स की वजह से, एकदम सर बूस्ट अप हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सर, जो तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, कोर्स एक बार लेके देखे, बूस्ट अप होगा, बढ़िया लगेगा उसे। और सर मेन बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर खुद को आना, एक होता है दूसरे को समझाना, तो दोनों ही अलग बातें हैं। कुछ लोगों को खुद से कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं लेकिन वो दूसरे को नहीं समझा पाते हैं, लेकिन सर एक टीचर वो होता है जो इसे खुद भी आना चाहिए और वो दूसरों को भी अच्छे से समझा सके, वो सर बात आपने है। ये चीज़ सर आप बखूबी कहते हैं, क्योंकि सर आप लाइव एग्जांपल्स देते हैं बच्चों को, बच्चे जब खुद से इंटरेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं उस एग्जांपल में खुद को, तो सर जब एक चीज़ खुद से जुड़ जाती है तो उस चीज़ को वो बच्चा कैसे भूलेगा। या हमारे दोस्तों से जुड़ जाती है, देवी दत्ता जी, मिथुन जी, अवनीश कुमार जी, किसी से भी जुड़ जाती है, विधि शर्मा जी, जैसे कि किसी को भिंडी, BMW, ऑडी, सर मतलब नहीं भूल सकता इंसान जब ऐसे रिलेट हो जाती हैं चीज़ें डेली लाइफ से, हंसी मजाक में तो नहीं भूलता इंसान। सर किस्मत अच्छी रही, सर किस्मत तो खैर अच्छी नहीं, किस्मत भी वीरों का साथ देती है, अगर मेहनत हमारी होगी तो सर मुलाकात सर हम लोगों की होगी DU LLB में। थैंक यू सर। हाय गाइज, माय सेल्फ इज अभिषेक कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार। जब मैं कोर्स खरीदा था तो मुझे लीगल एप्टीट्यूड की थोड़ी भी नॉलेज नहीं थी, मीन्स दैट कि आई हैव जीरो नॉलेज, मीन्स दैट कि मेरे पास थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं थी, जीरो। जब मैंने आदित्य सर की क्लास की, जब मैंने आदित्य सर की क्लास किया तो उसमें आदित्य सर ने मुझे जो भी टर्म्स होते थे विथ एन एग्जाम्पल समझाया, जिससे कि मुझे 80-90% जो मेरा था सिलेबस वो मेरा क्लियर हो गया। 100% तो किसी का भी नहीं होता है भाई, कोई अगर 100% आपको बताने की बात कर रहा है तो वो झूठ है, क्योंकि वो कि कोई भी ये लॉ है और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होती है, बहुत सारे सेक्शंस होती है, तो 100% करना किसी के बस की बात नहीं है। मैंने कितना भी कोशिश किया 100% क्लियर नहीं हो पाया। तो जब मैं आदित्य सर की क्लास को 2 घंटे देखने के बाद, आदित्य सर ने हम लोग एक ट्रिक्स दिया था RRR, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मीन्स दैट व्हाट मीन्स RRR सर। तो सर ने हमको बताया कि RRR के मतलब होता है रीड, रिपीट एंड रिवाइज, तो मैंने उसको फॉलो किया। मैंने आदित्य सर की क्लास को देखने के बाद मैंने मुझे यूट्यूब पे एक रिलेटेड वीडियो देखता था, उसके बाद फिर BLX को मैं और जो स्टडी मटेरियल्स देते थे उसको मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने रिवाइज किया, 80-90% जो मेरा डाउट था मेरा क्लियर हो गया। और मैं ये वीडियो दूसरे कैमरा बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा ना फ्लिप हो रहा था, मीन्स दैट कि मिरर्स एब्सेंस होता है ना, वो मेरा इस वीडियो में हो रहा था, तो सोचा कि दूसरे मोबाइल में बना लूँ। सो सॉरी फॉर दैट मेकिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस क्लास एंड होप दैट कि आई विल मीट यू इन दिस LLB course in DU and thank you Aditya sir, अपने 750 पे हमें इतना पढ़ाया, इतना सारा प्यार दिया, एक फैमिली से जोड़ा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस कोर्स में मुझे आके लगा कि मैं एक फैमिली से जुड़ गया हूँ, और इस फैमिली के सभी मेंबर्स को मेरा दिल से धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक कुमार आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ करी, टुडे आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस अबाउट TSI ऑनलाइन क्लासेस। मेरे को TSI क्लासेस के बारे में सर की एक यूट्यूब की वीडियो के थ्रू पता चला था, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, बस इतना सोचा था जो भी अब तक पढ़ा है उसकी एक रिवीजन हो जाएगी। बट जब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, पहले तो इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, बट जब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करी अब मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और दो चार चीज़ें मेरे को पर्सनली जो बहुत अच्छी लगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक तो सर का टीचिंग स्टाइल जो कि इतना फ्रेंडली है, और दूसरी चीज़ जो भी वो एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, इतने रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू जो भी वो समझाते हैं वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और तीसरी चीज़ मेरे को सर्विस उनकी बहुत अच्छी लगी, जो कि इतने कम टाइम में इतने अच्छे से रिप्लाई दे पाना जो भी हमारे डाउट्स हैं। और मैं बस मेरी आपसे एक यही रिकमेंडेशन है, इफ़ यू आर अ लॉ एस्पिरेंट यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे इतनी सब कुछ मिल पाना मेरे को नहीं लगता और कहीं कोई देता होगा।
बस थैंक यू सो मच आदित्य सर. So one of my friends recommended me this course from the Social Indian 2 days back, but I was so scared and confused about the syllabus and where to start from for the entrance. But now I can say that it was a very great experience with you, sir, and I actually found a way now. The way you interacted with each and every student and pays attention to everything and every problem that we face is the best thing I could see in this leading course. And yes, this is the best legal course designed by you in just a span of 10 days.